नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। रणवीर सिंह के लिए साल 2018 बेहद ही शानदार रहा। पहला तो पद्मावत के साथ 300 करोड़ क्लब में शामिल होना और दूसरा दीपिका पादुकोण के साथ शादी। वहीं अब नए साल के पहले दिन ही रणवीर सिंह ने सिम्बा के जरिए एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। बता दें कि सिम्बा ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में सिम्बा ने 5 दिनों में ही 124 करोड़ 54 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है। इसी के साथ रणवीर सिंह की ये 100 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली चौथी फिल्म बन गई है। वहीं सारा अली खान की पहली और रोहित शेट्टी की 8वीं फिल्म बन गई है। रणवीर सिंह अब वरुण धवन, रणबीर कपूर और ऋतिक रोशन के बराबर आ गए हैं, जिनकी 4-4 फिल्में 100 करोड़ क्लब में हैं। बता दें कि सिम्बा तेलुगु फिल्म टेम्पर का हिंदी रीमेक है। टेम्पर में जूनियर एनटीआर ने लीड रोल निभाया था। बात करें फिल्म के बजट की तो सिम्बा का बजट लगभग 80 करोड़ है। इस फिल्म को देश भर में लगभग 4000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। कहना गलत नहीं होगा कि रणवीर सिंह ने साल की शुरुआत ही रिकॉर्ड बनाकर की है। वेल, देखना तो अब ये दिलचस्प रहेगा कि रणवीर सिंह की सिम्बा आने वाले दिनों में और कितने रिकॉर्ड्स बनाती है। वैसे आपको क्या लगता है, सिम्बा 200 करोड़ के क्लब में एंट्री ले पाएगी या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।